एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाली हूँ क्योंकि आज प्याज और गोभी की पकौड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे रसम बना चुकी हूँ और आलू मटर तोरे की सब्जी बनाई हूँ, उसके साथ चावल बनाई हूँ। चावल आज कुकर में ही बिठा दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जा रहा था आज, इसीलिए। चलिए अभी पकौड़ी बनाते हैं क्योंकि आज का मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रही है, उसी लिए पकौड़ी खाने को दिल कर रहा था हस्बैंड जी को। तो यहाँ पे मैं बाउल में डाल दी हूँ गोभी और प्याज, और हरी मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस में काट दी हूँ। उसमें ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे मैं डाली हूँ बेसन, और ज़रूरत के अनुसार नमक भी डाल दी हूँ। उसके साथ ही मैं डाली हूँ थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा डाली हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला दे रही हूँ। पहले मिला देती हूँ, उसके बाद जितना पानी ज़रूरत है वो डालूंगी। यहाँ पे देखिए पकौड़ी का बैटर भी तैयार हो चुकी है। अभी जल्दी जल्दी इसे तल लेते हैं। अब तक देर भी हो चुकी है। साई अपना लंच बॉक्स लेके चले गया है और चिनू कॉलेज गया है, वो भी खाना खा के चले गया है। आज एक्चुअली लंच में नहीं आएगा वो, हम दोनों के लिए ही सिर्फ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए बातों ही बातों में पकौड़ी बन चुकी है और थोड़ा सा कसर बाकी है इसमें बनने के लिए। अब तक हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, इनफैक्ट वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई रिकॉर्ड कर देता है ना तो बहुत ही इजी होता है उस समय, और खुद को अगर रिकॉर्ड करना है और रेसिपी बनानी है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उस समय, क्योंकि कैमरा को इधर घुमाओ उधर घुमाओ वो सब करना पड़ता है। तो चलिए अभी पकौड़ी भी बन चुकी है, चलिए रसम में तड़का भी डाल देते हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ सरसों, जीरा, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और इसमें कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छी तरह भून लूँगी, फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। चलिए मज़ेदार सा तड़का भी तैयार हो चुका है, अभी रसम में डाल देते हैं तड़का को। ज़्यादातर मैं पंचफोरन भी डालती हूँ, आज सरसों जीरा डाली हूँ, पंचफोरन भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए रसम कुछ इस तरह बनी है, आज टमाटर का रसम बनी है। चलिए अभी सारा खाना बन चुका है, प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सब्जी निकाल रही हूँ, तोरई, आलू और मटर की सब्जी। इस सब्जी को लेके गया है साई लंच बॉक्स में, और यहाँ पे रसम बनी है। साई को एक्चुअली मैं दाल दी हूँ और हमारे लिए रसम बनाई हूँ। साई और चिनू को ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन खाना ही पसंद है, साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं है उतना ज़्यादा, रसम वगैरह उतना पसंद नहीं है। हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है साउथ इंडियन, वो इडली वगैरह सब खाते हैं, उन्हें सब चाहिए। लेकिन साई और चिनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं इडली वगैरह। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में मैं प्लेटिंग भी कर ली हूँ, और आज लकीली आम भी मिल गया था। अच्छा था आम, ज़्यादातर इस सीज़न में आम तो नहीं मिलती है, लेकिन लकीली मिल गया तो आम भी खा रहे हैं लंच में। चलिए अभी हमारा लंच थाली तैयार है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। और आप सभी को हमारा लंच थाली कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हस्बैंड जी को मैं दे दी हूँ, और ये जो थाली मैं निकाली हूँ मतलब प्लेटिंग की हूँ, ये मेरे लिए है। तो चलिए जल्दी जल्दी लंच करते हैं, फिर निकलेंगे पूजा के लिए, मतलब गणपति देखने के लिए। अभी निकल भी चुके हैं, शाम हो चुकी है, मतलब शाम तो नहीं बोल सकते हैं, अभी रात के 9 बजे हैं अभी हम निकले हैं। और डिनर तो बाहर ही कर लिए थे सारे मिलके, अभी जा रहे हैं गणपति देखने के लिए। बहुत ही सुंदर गणपति बनी है, लेकिन बारिश भी हो रही थी थोड़ा बहुत। और अभी जो आए हैं ये रास्ते में ही गिरा था जाते समय। यहाँ पे गणपति जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और पंडाल भी जो है अच्छा लग रहा था, तो मैं उतर गई थोड़ा सा देखने के लिए। तो चलिए भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद चलेंगे सबसे बड़ा जो गणेश बनी है भुवनेश्वर का बड़ोगढ़, वहीं पे चलते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पापा जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी, बहुत ही क्यूट लग रहे थे पापा जी यहाँ पे।
और रास्ते में देखिए जगह जगह पूजा हो रही है, पंडाल लगी हुई है, पूरा रौनक भरी हुई है भुवनेश्वर पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए अभी चलते हैं बड़गढ़ गणेश देखने के लिए। और जाते समय बहुत ही जाम मिली हमें, बहुत ही ज्यादा भीड़ था रोड। ये देखिए अभी हम पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सामने जो पंडाल दिख रही है वही है बड़ागढ़ का पंडाल। और यहाँ पे आप सभी दर्शन कर लीजिए गणपति बापा जी से। बहुत ही बड़ा मूर्ति यहाँ पे था, जो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मूर्ति है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। हम आए थे यहाँ पे बड़ागढ़ गणेश देखने के लिए। बहुत ही बड़ा गणेश है और ये जो है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा गणेश मूर्ति है। बहुत ही अच्छा लगा, भगवान जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। चलिए अभी देखते हैं आगे, हमारे घर के पास जाएंगे वरना यहीं से घर जाएंगे। ये जो क्लिप है नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम निकल गए थे दोपहर को पूरी के लिए। उस समय का है एक्चुअली, कल रात को जितना भी देखे आप उतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी। उसके बाद घर आ गए थे और बहुत ही लेट हो गया था, बारिश भी जोर से हो रही थी तो, और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और अभी करीब 4:30 ऐसे बज रहे थे शाम के, तो निकल गए थे पूरी जाने के लिए। एक्चुअली बच्चों का छुट्टी था उसीलिए सोचे पूरी जाने के लिए, तो तुरंत ही निकल गए। उसी समय सोचे फिर उसी समय निकल गए। और यहाँ देखिए मौसम कितना सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। 2-3 बार बारिश भी हुई थी रास्ते में पूरी पहुँचने तक। भी एंजॉय करते हुए पूरा परिवार के साथ जा रहे हैं। एक्चुअली चीनू का इच्छा था बेंगलोर से आने के बाद सबसे पहले पूरी जाके भगवान जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बीच बिल्कुल भी समय नहीं हुआ और कुछ कुछ प्रॉब्लम भी था उसीलिए नहीं जा पाए थे। आज भगवान जी का आदेश आया कि आ जाओ आज मुझे दर्शन करने के लिए, तो हम सब जा रहे हैं आज भगवान जी का दर्शन करने के लिए। और बाहर का मौसम देखिए कितना सुहाना है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वैसे तो कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा मैं नहीं बता पा रही हूँ। और अभी हम पूरी भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए गणपति बाबा जी का दर्शन कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी जगह पर ही पूजा हो रही थी, पंडाल बहुत ही सुंदर लगा था, बहुत सारे पंडाल लगे थे यहाँ पे, पूजा हो रही थी। तो चलिए अभी हम पूरी पहुँच चुके हैं। ये और एक देखिए पूजा हो रही है और एक जगह पे।
बहुत ही अच्छा लग रहा था इस समय। एक्चुअली वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा था बारिश होगी पूरी में करके, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। लेकिन बारिश का मौसम जैसा ही लग रहा था, थोड़ी बहुत बारिश पहले हुई थी जब हम पहुंचे उससे पहले, और पहुंचने के बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। ठंडा ठंडा हवा बह रही थी तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए और एक पंडाल में भगवान जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी भी। पूरी में इससे गणेश पूजा बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी जगह पर दूरी पर ही कर रहे थे पूजा, तो पूरा जो बॉर्डर दंडा है जगमा का रहा था लाइटिंग से, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए अभी दर्शन कर लेते। एक्चुअली मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बारिश के चलते हम सोच रहे थे कि अगर बारिश आ जाएगी तो फिर दर्शन करने में मुश्किल होगा, घर जाने में भी। एक्चुअली अंदर छाता वगैरह लेने नहीं देते ना, उसीलिए ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से ही आप सब दर्शन कर लीजिए। मैं यहाँ इसके बाद और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और देखिए नीला चक्र कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर हवा आ रही थी यहाँ पे, बहुत ही सुहाना था इस समय मौसम। और यहाँ पे देखिए आज एक्चुअली ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भगवान जी का बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। यहाँ से नीला चक्र दर्शन कर लीजिए आप सभी। और देखिए पतित पावन बाना किस तरह उड़ रही है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर